हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैं अपने चैनल पे बनाती हूँ आपसे और आपके घर से रिलेटेड वीडियो। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ रेड बटन को प्रेस कीजिए और आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो आज मैं 10 ऐसी हैबिट्स शेयर करूँगी जिसे अपनाकर आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन रख सकते हैं। आपने अक्सर नोटिस किया होगा, जब बर्तन वॉश करते हैं तो सिंक से पानी बाहर की ओर निकल के आता है। अगर हम इस तरीके से माइक्रोफाइबर के कपड़े को सिंक के फ्रंट साइड में लगा देंगे तो पानी बाहर की ओर नहीं आएगा और हमारे कपड़े गीले होने से बच जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको आम कपड़ा यूज़ करने के लिए इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि आम कपड़ा पानी को अब्सॉर्ब नहीं करता है। माइक्रोफाइबर क्लोथ या फिर कोई पुराना टॉवल पानी को आसानी से अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे कि हमारे कपड़े भी गीले होने से बच जाएंगे और पानी भी बाहर की ओर नहीं आएगा। और दूसरा, जिस जगह पे भी हम बर्तन वॉश कर रहे हैं वहाँ पे हम एक मैट बिछा लेंगे। अगर बर्तन वॉश करते टाइम थोड़ा भी पानी बाहर आ जाता है तो ये पानी मैट के ऊपर गिर जाएगा और किचन गीला नहीं रहेगा। ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे नई मैट ही बिछाएं, अगर हमारे पास पुरानी मैट है हम उसे भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हमारे वहाँ किचन में एक ऐसी बास्केट या ऐसी रैक ज़रूर होती है जिसमें हम आलू प्याज या लहसुन रखते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि उस बास्केट या रैक के नीचे कचरा जमा हो जाता है। लहसुन या प्याज के छिलके वैसे तो साफ़ करके ही बास्केट में रखने चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कुछ छिलके उसके नीचे रह जाते हैं। अगर हम अपनी बास्केट या रैक में इस तरीके से न्यूज़पेपर या पेपर बिछा लेंगे तो हमारी बास्केट या रैक क्लीन भी रहेगी और ये छिलके नीचे भी नहीं गिरेंगे। गैस स्टोव, किचन काउंटर्स और कैबिनेट्स को क्लीन करने के लिए हम 3-4 अलग अलग टाइप के केमिकल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा केमिकल बताऊंगी जो चीज़ तो एक ही है पर वो आपके 3-4 चीज़ों को क्लीन करने के लिए वर्क करेगा। सबसे पहले घर पे पड़ी कोई भी खाली स्प्रे की बॉटल ले लें। इसके ऊपर कॉलिन का स्टिकर लगा हुआ है जिसे हम हाइड करके अपने किचन क्लीनर का स्टिकर लगा देंगे। अब इस किचन क्लीनर लिक्विड को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक गिलास पानी ले लिया है जिसमें मैं ऐड करूँगी डिश लिक्विड और एक चम्मच विनेगर, सिरका और एक ढक्कन डेटॉल। इन सबको मिक्स करने के बाद मेरा यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा किचन क्लीनर बनके रेडी हो गया है। वैसे तो मेरा ये स्टोव डेली क्लीन होता है, इसके ऊपर इतना ज़्यादा मैश नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैंने इसके ऊपर ये लिक्विड डाला तो आप देखिए कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा स्टोव कितने सालों से क्लीन नहीं है। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसने सारा मैस क्लीन करना शुरू कर दिया है। जब भी हमें इस लिक्विड को यूज़ करना है उससे पहले इसे एक बार अच्छी तरीके से शेक कर लें। ये स्टोव को तो बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करेगा ही, साथ में जम्स को किल करने में भी हमारी हेल्प करेगा। स्टोव के ब्रैकेट्स को डेली एक बार इस लिक्विड से क्लीन कर दें और वीक में एक बार अच्छी तरीके से लिक्विड वॉश से वॉश कर लें। आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपका पुराना स्टोव है। अगर आप इस तरीके से अपने स्टोव को क्लीन करेंगे तो वो एकदम चमक जाएगा और हमेशा क्लीन भी रहेगा।
हम लोग जब भी कुछ सब्जी कट करते हैं, फ्रूट्स छीलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में काउंटर टॉप के ऊपर ही उसे छील देते हैं। बट हमें अपनी एक हैबिट में सुधार लाना है। हम जब भी फ्रूट छीलें या सब्जियां काटें, हमें एक बास्केट ले लेनी है और उसके ऊपर ही उसके छिलके डालने हैं, जिससे हमारा काउंटर टॉप भी क्लीन रहेगा। और उसके बाद उन छिलकों को डायरेक्ट डस्टबिन में डाल दें। किचन क्लीनिंग के लिए हमेशा वाइप्स अलग अलग यूज़ करनी चाहिए। मैं अपनी किचन में दो वाइप्स यूज़ करती हूँ, एक काउंटर टॉप क्लीन करने के लिए और एक बाकी डब्बे वगैरह क्लीन करने के लिए। ऑयल के बॉटल या डब्बे को हमेशा एक ट्रे के ऊपर रखें और इस किचन क्लीनर की हेल्प से उन्हें हमेशा क्लीन करें। ज़रूरी नहीं कि हमें इन डब्बे या बॉटल को रखने के लिए नई ट्रे ही चाहिए, हमारे पास घर में जो भी पुरानी ट्रे है हम उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके से इन्हें डेली क्लीन करेंगे तो इनमें बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं आएगी। और बात बस यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अगर हमारे पास कोई इस तरीके की मैट है तो हम उसके ऊपर इस ट्रे को रखें ताकि हमारी किचन और ज़्यादा खूबसूरत लगे। किचन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मसालेदार का। जब भी किचन में कुछ बनता है तो सबसे पहले हम लोग मसालेदानी को ही निकालते हैं। और कुकिंग करते टाइम जब भी हम अपनी मसालेदानी में से मसाले निकालते हैं तो कुछ ना कुछ इसमें गिर जाता है, तो हम इस क्लीनर की हेल्प से अपनी मसालेदानी को अच्छे से क्लीन करेंगे और मसालेदानी के शेप का पेपर कट करके मसालेदानी के ऊपर लगा देंगे, ताकि जो भी हमारा मसाला गिरे वो इस पेपर के ही ऊपर गिरेगा, जिससे हमारा टाइम भी सेव होगा और हमारी मसालेदानी भी क्लीन रहेगी। लास्ट में जब पूरा किचन हमारा क्लीन हो जाएगा तो हम इसी क्लीनर की हेल्प से अपने पूरे किचन के काउंटर टॉप को क्लीन करेंगे। हम जब भी किचन काउंटर को क्लीन करते हैं, हम उसे ऊपर से तो बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर देते हैं, बट साइड से क्लीन करना भूल जाते हैं। हमें किचन काउंटर को ऊपर से क्लीन करने के साथ साथ उसे साइड से भी अच्छी तरीके से क्लीन करना है। किचन को क्लीन करते समय अपने फ्रिज के हैंडल और इसके डोर को इसी किचन क्लीनर की हेल्प से क्लीन करें। दिन में ना जाने हम कितनी बार इस हैंडल को टच करते हैं और ना जाने कितने जर्म्स इसमें आ जाते हैं, तो इस किचन क्लीनर की हेल्प से हम अपने फ्रिज के हैंडल को और डोर को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे, जिससे फ्रिज भी क्लीन हो जाएगा और जर्म्स भी गायब हो जाएंगे। बस थोड़े से टाइम और एफर्ट की ज़रूरत होती है, जिससे हम अपने घर किचन को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन भी कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, और साथ ही हमें घर को ऑर्गेनाइज और क्लीन करने के नए नए आइडियाज़ भी आते रहते हैं। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।